हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड टॉप 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 25 यहाँ पे जीके क्वेश्चन है। और वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। देखो ये दिया गया, भारत और पाकिस्तान की जो बीच है वो शिमला समझौता, ये केवल यही लिख किया जाएगा कि शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ पे 1972 ईस्वी में शिमला समझौता आपका भारत और पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? खजुराहो आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, उस्ताद जो जाकिर हुसैन थे वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? 600 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे तबला से रिलेटेड थे। 1905 ईस्वी में बंगाल में राखी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? 601 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? चतुर्भुज आकार में नहीं है तो आपको पता होगा नेपाल का ऐसा टाइप का है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 603 नंबर है, IAEC। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय परमाणु इंडिया ऊर्जा आयोग। अगला देखते हैं, और भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी नदी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है इन चारों ऑप्शन के हिसाब से? इन चार के हिसाब से तो गंगा ही है। ठीक है, राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। वंदे मातरम यह गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है। वंदे से मातरम से बंकिम चंद्र चटर्जी। हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? हे राम किस नेता की समाधि पर लिखा हुआ है? 608 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे महात्मा गांधी पे। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसको मैंने आपको ट्रिक से बताया था, मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में, माँ से मीनाक्षी, माँ से मदुरई। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया है? 611 के यहाँ पे बी कुत्ता। अगला देखते हैं, चलो अगला प्रश्न दिया गया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? 612 नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सी पार्ट सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं? पंडित रविशंकर सिद्धार्थ, आर के नायडू उपन्यास, कैफी आदमी कविता है, कहाँ से कविता, कैफी से बताया था, एम एफ हुसैन तबला, बिल्कुल चारों आपके सही हैं, इसे सभी सही हैं, इसमें तो गलती नहीं है। एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 614 का यहाँ पे बछेंद्री पाल ए पार्ट। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? 615 का डी संतूर से है। ठीक है, संतूर से है। अगला देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष किरण श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है? 616 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा सी पार्ट, आंध्र प्रदेश। श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, बताया था। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका भगवान शिव के लिए। अंतरिक्ष याद में भेजे जाने वाला पहला उपदेश कौन सा था? पहला देश कौन सा था? 618 नंबर प्रश्न का यहाँ पे USSR हो जाएगा, USSR। अगला देखते हैं, चलो अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के द्वारा UAV का नाम क्या है? भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? UAV का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 619 का राइट ऑप्शन बी निशांत। गोल गुम्बद बीजापुर कहाँ स्थित है? गोल गुम्बद बीजापुर आपका कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? सी पार्ट, कर्नाटक में। भारत द्वारा दीर्घ परासी प्रक्षेपस्थ अग्निथल्ड का परीक्षण किया गया, उसका परास कितना है अग्निथल्ड का? ठीक है, परास पूछा गया है रेंज। ठीक है, तो 621 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? बी पार्ट, 3500 किलोमीटर की रेंज है। कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? कारगिल का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 622 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 1999 में। युद्ध पोतों का निर्माण भारत में कहाँ होता है? युद्ध पोतों का, ठीक है। तो 623 नंबर प्रश्न, तो मझगांव शिपयार्ड में। मैकमोहन रेखा लाइन किन देशों के बीच में? भारत और चीन के बीच में, एक क्वेश्चन करा भी चुके, बता भी चुके। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैकमोहन रेखा रहती है। पर्वतीय स्थल में कसौली राज्य में है। 600 तो बताइए कसौली किस राज्य में है? ठीक है, तो आपका 625 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट, हिमाचल प्रदेश में। 624 का आपका राइट है यहाँ पे तीसरी पार्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये 25 क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा।